तिरंगा कभी झुकने नहीं देंगे, हमने अपने खून से सींचा है इस बगीचे को, इसकी खुशबू को हम कभी लुटने नहीं देंगे, कभी लुटने नहीं देंगे। ऐसे ख्वाब और ऐसे विचार हर क्रांतिकारी और देशभक्त के थे। तो क्या बताया, थोड़ी और डाल के बोस ऐसी साड़ी लिए हो, जिसकी चमक हो निराली बोस ऐसी साड़ी लिए हो, जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली बोस ऐसी साड़ी लिए हो, जिसकी चमक निराली बोस एक साड़ी लिए हो, जिसकी चमक निराली। आनंद तिलक गोखले स्वामी शंकराचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, रक्षा मंत्री भारत का बलदेव सिंह सरदार भी हो, राजेंद्र प्रसाद पटेल गांधी वीर जवार भी हो, हंसते हंसते रह जेड़ो अंदर पढ़ने को तैयार भी हो, हंसते हंसते जेड़ो अंदर पढ़ने को तैयार भी हो। काला पानी पहुंचाए, काला पानी पहुंचाए, वीरों ने जाने खपाली बोस साड़ी लिए हो, जिसकी चमक निराली बोस ऐसी साड़ी लिए हो, जिसकी चमक निराली। ओ हो 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 साड़ी में तीन रंग होने चाहिए, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा। समझ गए होंगे कौन सी साड़ी है, ये साड़ी नहीं है, हिंदुस्तान की तस्वीर है। ऐ सुभाष, जब जब कहीं हिंदुस्तान में कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, इस साड़ी का जिक्र, इस देश का जिक्र जरूर होना चाहिए। और जब जिक्र हो तो तेरे जैसे क्रांतिकारी, देखो भगत सिंह पंजाब का 23 साल की उम्र में फांसी पे झूल गया, ऊधम सिंह ने के करया, इनका जिक्र अगर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नहीं हुआ तो प्रोग्राम में खराब है। लोगों सुनिए दूसरी बात में क्या लिखा, हां चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह रास बिहारी बोस हो, लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो, राजगुरु सुखदेव और बिस्मिल मरते हुए मिटोस भी हो, राजगुरु सुखदेव और बिस्मिल मरते हुए मिटोस भी हो, जलियावाड़े बाग का जलसा, लंदन में शेर भी चलता हो, ऊधम सिंह
कि भाभी के देवर अब तक मैं तुम्हें क्रांतिकारियों और देशभक्तों के चित्र छपवाने के लिए कहा है, लेकिन अब मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी साड़ी पर कुछ महापुरुषों के फोटो भी छपवा देना, जिनका नाम लेने भर से हर हिंदुस्तानी का मस्तक झुक जाता है उनको नमन करने के लिए, उनमें से भी कुछ के फोटो छपवा देना। और क्या कहती है भला? लक्ष्मण राज छोड़ के पण में धक्के खाते हो, हरिचंद भी सत के कारण काशी में बिक जाते हो, जगदेव पवार भी काट के गर्दन कान में सिर चढ़ाते हो, जगदेव पवार भी काट के गर्दन कान में सिर चढ़ाते हो। राज मोर ध्वज लगता है ललित भाई को रागनी अच्छी नहीं लग रही ना, अब तक तो 1100 रुपए दे दिए होते। अच्छा। सुनिए नहीं मनी मन राजा मोर ध्वज चीर का लड़का, राजा मोर ध्वज चीर का लड़का तो का शेर जिमा हटे हो, हिरणा खुश प्रहलाद भगत को लाल खम पकड़ा हटे हो, राजा भोज विक्रमा आदित्य पर जाता कष्ट मिटाते हो, क्योंकि उनके पढ़ने या सुनने से जीवन के वे सभी पाप खत्म हो जाते हैं जो जाने अनजाने आदमी कर दिया करता है, चाहे कोई कितना भी अच्छा साधु संत हो वो भी पाप कर दिया करता है, उसके पैरों के नीचे भी बहुत सी चींटियां मर जाया करती हैं, मच्छर भी मर जाया करते हैं, वे भी तो पाप हैं, वे भी तो आत्माएं हैं, तो जाने अनजाने में किए हुए सब पाप उन ग्रंथों के पढ़ने से या उनके सुनने से कट जाते हैं, उनके चित्र भी मेरी साड़ी पर जरूर छपवा देना। और क्या कहती है? और अगर कहीं राजस्थान में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कम से कम एक रागनी आपका भी फर्ज बनता है, कलाकार को मजबूर कर दो के देशभक्ति रागनी सुना। क्यों? क्योंकि आओ झुककर सलाम करे जिनके हिस्से में मुकाम आया है, और बड़े खुश नसीब है वो जिनका लहू इस देश के काम आया है। ये इतिहास गवाह है, लड़ाई चाहे 65 की हो, 71 की हो या कारगिल की हो, हिंदुस्तान में आज 29 राज्य है, 29 राज्य, ये बड़े गौरव की बात है। आज भी सीमा पे हमारे जवान खड़े हैं, चाहे कोई सी भी जंग छिड़ी हो, हमारे लिए फक्र की बात है। अगर सबसे ज्यादा शहीद कहीं के जवान हुए हैं तो अपने राजस्थान के अलवर और झुंझुनू के लड़के शहीद हुए हैं, उनके लिए जोरदार ताली श्रद्धांजलि में होनी चाहिए। आइए